हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जाने। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तकरार प्रोग्राम के साथ मैं इमरान खान। स्पेशल प्रोग्राम है क्योंकि जिस दिन से साबिक वज़ीर आला पंजाब जनाब परवेज़ इलाही साहब ने यह कहा है कि इनके साथ लोग राब्तों में हैं, तब से पीएमएलएन के अंदर बड़ी खलबली मची हुई है क्योंकि पीएमएलएन से अभी तक कोई बंदा भी अनाउंस करके पनामा केस के बाद छोड़कर नहीं गया है। एक बहुत बड़ा टेस्ट जो है वो कल के दिन में आने वाला है। वो टेस्ट ये है कि नवाज शरीफ साहब दोबारा पार्टी के सदर बन चुके हैं आइन में तरमीम करने के बाद, अपनी नाअहली के बाद, लेकिन अब अपोजिशन ने कोशिश की है कि नवाज शरीफ साहब सदर ना रह पाएं अपनी पार्टी के, और उसके लिए बिल पेश किया है। ये बिल सेनेट से तो फटाफट, क्योंकि वहाँ अपोजिशन की अक्सरियत है, वहाँ इनका काम बन गया, लेकिन कल ये प्राइवेट मेंबर डे पे कौमी असम्बली में आएगा। देखना यह है क्या हुकूमत या हुकूमती जमात मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ साहब को बचा पाएगी बतौर सदर पीएमएलएन, या अपोजिशन उनकी ये सीट भी ले डूबेगी, क्योंकि अपोजिशन का क्लेम ये है कि बंदे मुतनफर हो चुके हैं शरीफ खानदान से और वो अब इस खानदान को मजीद प्रोटेक्ट नहीं करेंगे। इस बारे में कुछ नंबर्स आते रहे हैं, शेख रशीद अहमद साहब अपने नंबर देते रहे हैं, इमरान खान साहब अपने नंबर देते रहे हैं, लेकिन कोई बंदा भी वो हासिल नहीं कर सके। चौधरी परवेज इलाही साहब ने भी नंबर्स बताए हैं। इनको इसलिए लोग संजीदा लेते हैं कि इन लोगों का पहले चौधरी साहब से ही ताल्लुक था और वो इनकी जमात में थे और यहीं से पीएमएलएन में गए थे। चौधरी परवेज इलाही साहब हमारे साथ मौजूद हैं आज के प्रोग्राम में। वार्म वेलकम सर, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी मेहरबानी। चौधरी साहब, कल है टेस्ट, कल पता चलेगा कि आपके साथ 60 बंदे हैं, 70 बंदे हैं, 50 बंदे हैं। अब क्लेम की बात नहीं है, प्रैक्टिकल है। आर यू श्योर कि कल आप नवाज शरीफ साहब के लिए देखें ये मुसीबत खड़ी कर दें? सबसे पहले ये बात समझने वाली है कि नवाज शरीफ साहब ने यूं तो बड़ी नून वाले और ये सारे बड़ी असूली बातें करते हैं और कहते हैं जी कि हमारे साथ ये हो गया है, हम तो असूल पे चलते हैं, हम कानून पे चलते हैं। तो इन्होंने जो जुल्म किया है और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था जिसमें इनको फॉर लाइफ नाअहल किया गया, अब एक नाहल बंदा जो है अगर वही पार्टी किसी को हेड करेगा तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है तमाम उन मेंबरान के ऊपर जो नून लीग के अंदर बैठे हुए हैं और जो अहल है। हाँ जी, और यहां से तो इन्होंने जल्दी में करा लिया, लेकिन सारी अपोजिशन ने ये फैसला किया कि ये किसी लिहाज से भी मॉरली लीगली ये हो ही नहीं सकता जो इन्होंने ये काम किया है। तो इसको प्राइवेट मेंबर डे के तौर पे वहाँ पहले वो बिल पेश किया गया सेनेट में, सेनेट में अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। अब चूंकि ये प्राइवेट मेंबर डे को ही आ सकता था इसलिए कल ये बिल पेश होगा इंशाल्लाह, अगर स्पीकर साहब ने इजाज़त दी तो कल ये पेश होगा। और उसमें ये मैं समझता हूँ अगर पीएमएलएन के नंबर पूरे हैं तो वो वहाँ पर ख़त्म करवा देंगे इसको, और ख़त्म क्या करवाएंगे कि नवाज शरीफ साहब सुप्रीम कोर्ट करती रहे इनको नायल, सुप्रीम कोर्ट कहती रहे इनको कि ये झूठे भी हैं, बेईमान भी हैं, मनी लॉन्ड्रिंग भी की है, इसलिए इनको फॉर लाइफ हमने डिसक्वालीफाई किया है। और सुप्रीम कोर्ट का फिर इन्होंने रिव्यू पिटीशन की और उसमें जो कमी कोई रह गई थी वो भी पूरी होगी इनकी। स्पीकर आपको अब ये चाहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट को ये दिखाना चाहते हैं, अगर आपने एक जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है अगर उसने एक फैसला किया है तो दरअसल उनको ये जवाब देना चाह रहे हैं कि ये तो नवाज शरीफ साहब तो फिर पार्टी के सदर हैं बैठे हुए। मैं पार्टी सदर। अच्छा, अब क्या अब सवाल ये आपको जाना देंगे? अब स्पीकर को तो देना पड़ेगा ना, इसलिए कि प्राइवेट मेंबर डे में स्पीकर रोक नहीं सकता, ठीक है, और वो लगा हुआ है, ठीक है। और अब ये इम्तहान है असल में नून लीग वालों का, जो मेंबरान है नून लीग के, आया उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसकी अमली तौर पे उसको तस्लीम करते हुए
ये उन्होंने बावर कराना है नवाज शरीफ साहब को कि आप खुदा का खौफ करें, कोई और सदर बन जाए पार्टी का, और क्योंकि आप नहल हो चुके हैं, आप अगर इलेक्शनों में जाएंगे वोट लेने के लिए तो क्या कहेंगे, मुझे सुप्रीम कोर्ट ने निकाला, मुझे इसने निकाला, ये बात करेंगे ना, तो उसके 100 जवाब हैं। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से कि नून लीग वाले अब जान चुके हैं कि ये उन्होंने ऐसा फैसला नहीं करना जो तारीख उनको माफ ना करे, अब वो सही फैसला करेंगे और इंशाल्लाह खुल के सामने आएंगे, खुल के बात करेंगे और वोट भी देंगे। आप इसलिए कह रहे हैं कि आपसे लोगों का रब्ता, देखिए जी हमारा तो रब्ता कभी टूटा ही नहीं, और इसमें आप देखें ये अजीब सूरत हाल है कि ये हमारे ही ज्यादा पार्टी से उधर गए हैं, और जब हम अपने लोगों को वापस लाने की कोशिश करते हैं हाँ? तो कहते हैं जी कि ये देखें हॉर्स ट्रेडिंग हो रही, जब इन्होंने हमारे लोग ये लेके गए थे तो कहते थे ये जमहूरी अमल है, वो शेयर के टिकट के ऊपर जीत के आए ना, ना 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 ना, मैं बात कर रहा हूँ 2008 की, 2008 में तो वो 2008 फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था, 2008 में जब ये हमें जबरदस्ती उधर ये लेके गए इन हमारे लोगों को, तो कहते थे ये एक जमहूरी अमल है, ठीक है, अब अगर हमारे पास आ रहे हैं वापस अपनी पार्टी में इनके नामुनासिब रवैयों की वजह से, इनके तकबर की वजह से, इनके ना मिलने की वजह से, और लोगों का जो इज्जत थी, जो एहतराम था जिसके लिए ये बेचारे गए थे, वो मैं उनको कहता था कि खुदा के लिए नवाज शरीफ साहब के पास इज्जत है ही नहीं, तो आपको इज्जत क्या देंगे, कल नवाज शरीफ साहब के पास सादा अक्सरियत होगी, देखें अपना ये एक, के लिए। ये एक बहुत बड़ा टेस्ट है इनके लिए, आपके लिए भी है, आपने क्लेम किया कि बंदे आपके साथ, बिल्कुल इंशाल्लाह ताला हमारी तो ये कोशिश है, हमारी सबकी ये कोशिश है, आपके टेस्ट के बारे में पूछ रहा हूं ना कि कितने बंदे हैं, आदमी कितने हैं, ये वन डे टेस्ट नहीं होता सियासत में, ठीक है, ये सीरीज चलती है, ठीक है, कल के दिन हमारी कोशिश है कि हमारा बिल पास हो, और मुझे पूरी उम्मीद है इसमें सारी पार्टीज भी, नून लीग वाले भी, अपोजिशन की सारी पार्टी भी जोर लगा रही है, यानी नून लीग की टिकट पे जीता हुआ आदमी, एमएनए बना हुआ आदमी, तो वो वोट दे देगा आपके बिल की हमायत में, तो उससे डिस्क्वालीफाई नहीं होता, नहीं होता हाँ। लेकिन आपको लगता है कि इतनी जरूरत करेंगे लोग इंशाल्लाह, अब रियाज मीर ज्यादा के अलावा बोला कोई नहीं अब तक, बोलने वाली बात ना करें, अच्छा अमल देख लेना आप, कल आप क्लेम कर रहे हैं कि लोग इधर खड़े हो जाएंगे इंशाल्लाह, कितने खड़े हो जाएंगे, वोट देंगे ना, वो कह रहे हैं कि हमें तो 70 लोग नजर नहीं आ रहे, मरियम ने कहा हमें तो नजर नहीं, ये कल पता चल जाएगा, चलिए सब आप बहुत बड़ा क्लेम कर रहे हैं नहीं सारी कर रहे हैं हम, अपोजिशन सारी क्लेम कर रही है, कि मैं अकेला नहीं कर रहा, नहीं नहीं ये क्योंकि उसमें ये बाकी को संजीदा के इमरान खान ने कहा था कि मेरे साथ बहुत सारे लोग आके मिल जाएंगे, हम असली तौर पर खड़े हैं, अच्छा जिसके भी जितने हैं उनके साथ खड़े हुए, कल तो फिर आएंगे ना, फिर पूरा जोर लगाएगी गवर्नमेंट भी, या तो वो कोशिश करेंगे कि ये बिल कल पेश ही ना हो, तो ये जो शहबाज शरीफ है जिसने 16 बंदे, आपने खुद देखा 16 बंदों को दिन दिहाड़े कत्ल किया शहबाज शरीफ ने, सानिया मॉडल डाउन किया, तो इसको तो कोई शर्म हया ही नहीं आती इसको, और राणा सनावला को इतना जुल्म करके तो ये बैठे हुए, ये थ्रेट दे रहे हैं, ये एमएनए को अब थ्रेट कर रहा है शहबाज शरीफ कि आप ने वोट नहीं देना, आप ना जाएं, आप ये करें, आपके असेसमेंट में मेंबर कौमी असेंबली थ्रेट हो जाएंगे अपने अपने इलाकों के अंदर, उनकी अपनी एक बर्थ, मैं तो कहता हूं कि इनको साफ जवाब देना चाहिए उनको, अच्छा क्योंकि 5 साल से बात नहीं है ये सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट की, 10 साल से ये हुक्मरानी कर रहे हैं पंजाब के अंदर, ये 10वां साल है, अच्छा आपकी मुलाकातें भी होती हैं बंदों से, कोई करवाता है डायरेक्ट होती है फोन पे, आप वो कैसे होता, कैसे मेरी बात सुने, कि एक तो ये है कि हमारा कभी भी किसी से तलक नहीं खत्म हुआ, ठीक है पार्टी में जाओ चाहे वो चला जाए अपनी मजबूरी के तहत, लेकिन तलक रहता है, ठीक है वो तलक सिर्फ ये नहीं कि आज दोबारा को बांध रहा है, अच्छा तलक तो पहले इससे चला, टूटा नहीं था उन्हें कोई, इसलिए तो कोई हिचकिचाट नहीं है हमारे हवाले से, पीटीआई के हवाले से, तो आप पनामा के बाद दोबारा पीटीआई के हवाले से तो उनको जरूर हिचकिचाहट भी होगी, हेजिटेशन इसलिए होगी कि उनके साथ उनका राब्ता भी नहीं, बीच वाला बंदा भी चाहिए होगा कि आप राब्ता करवाएं, क्योंकि उनके मुहालिफ उनके हलकों के ऑलरेडी पीटीआई में शामिल हो चुके हैं, तो लाइन में नहीं लगना चाहते, ठीक है लेकिन आपका जो राब्ता है इंशाल्लाह कंटिन्यूस है, ठीक है आप दोबारा एक्टिव होते हैं नवाज शरीफ साहब की नाअहली के बाद,
तब पता चलता है कि ये बंदे आपसे एकदम तेज रबते शुरू हो गए और मुमकिन तौर पर ये आपके साथ आ भी सकते हैं, आप ये क्लेम भी कर देते हैं। ये आपको इशारा मिला या आपने हालात देखते हुए फॉरेन एक्टिविटी देश की? इशारा नहीं, सारे समझदार लोग हैं, ये सारे सियासी लोग हैं, ये इलेक्शन लड़ने वाले लोग हैं, ये हल्के के लोग हैं, इनको समझ आए और इनको ये भी समझ आए कि नवाज शरीफ जिनको सुप्रीम कोर्ट ने निकाला है, करप्शन के ऊपर निकाला है, मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर निकाला है और डिसक्वालीफाई किया फॉर लाइफ, क्या ये इतने बेवकूफ़ी तो नहीं कर सकते उनका टिकट जाके लें नून का? मुझे ये बताएं जोहर साहब, अभी 2020 में उन्होंने इलेक्शन तो जीत लिया है ना, ज़मीनी इलेक्शन अभी फिर कोई हो जाएगा, वो जीत जाएंगे। कम से कम उन्होंने ये तो बताया हुआ है कि ना अहली के बावजूद नवाज शरीफ का एक अपना वोट और उसकी अपनी एक पॉपुलैरिटी इंटैक्ट है। मेरी बात सुने, उनकी बेगम खड़ी थी वहाँ पे और हालात ये थे इनके कि उसमें जो एक ख़ास हल्के का एक ज़मीनी इलेक्शन होता है उसमें सिचुएशन डिफरेंट होती है, और फिर ज़मीनी इलेक्शन हम अपने दौर में कभी भी नहीं हारे, जीते रहे हैं, तो इसलिए ज़मीनी इलेक्शन की जो साइकी है वो डिफरेंट है। और दूसरी बात ये है, हालांकि लोग इनको वो पानी भी दिखाते रहे, लोग इनको ये भी कहते रहे, मेरा उधर ये जो म्यो हॉस्पिटल है, ये म्यो हॉस्पिटल है, वहां जाकर कभी देखे ना, एक एक बेड पे चार चार मरीज पड़े हुए हैं, दिखाए भी हैं, देखे भी हैं, हालात और वहां 450 में सारे क्रिकेट ग्राउंड खत्म हो गए, नहीं प्ले ग्राउंड भी नहीं है, सड़कें भी नहीं है, एक बड़ी फिर भी लोगों ने उनको जिता दिया। नहीं, एक बड़ी जरूरी बात है, इसी जगह पे वहां पे मेयो हॉस्पिटल में मेरा एक सर्जिकल टावर है 450 बेड का तैयार खड़ा है पिछले 10 साल से, और उसमें 11 ऑपरेशन थिएटर और इतना बेहतरीन है, स्टेट ऑफ द आर्ट पूरा एक हॉस्पिटल खड़ा हुआ है, तो उसको शुरू नहीं कर रहा। क्यों शुरू नहीं कर? जुल्म खुदा का, जरूरत तो है ना, जरूरत तो जुल्म खुदा का। तो मुझे बताया ना लाहौर में कौन सा इस फिर भी लोगों ने इनको वोट दिया, वो मैं आपके एमएनएस देख रहे हैं ना, एमपीएस नहीं, नहीं फिर भी नहीं दिए। आपको अंदाजा नहीं है कि जो 18वीं तरमीम में इन्होंने इस कौम के साथ जुल्म किया है और जो ज्यादती की है, इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। मुझे एक छोटी सी चीज बताएं, मैं ब्रेक पे जाऊं, बंदे कितने हैं? बंदे आप कल पे छोड़े, कल तो पता चल ही जाएगा, सस्पेंस रहने दें। आप थोड़ा सा हिंट दे देंगे जी, इतने इतने हैं कि बड़े आराम से आप ये हमें, अपना ऑपोजिशन बिल ले, ये हमें अलग घर पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह के 50 से ज्यादा कम, कल बिल पास, ये बताएं 50 से ज्यादा कम? मैं इस वक्त फिक्र नहीं देता, बिल ही अगर पास हो जाएगा आपका तो बंदे तो फिर आपके पास। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। चौधरी परवेज़ इलाही साहब से हम बात कर रहे हैं, नैब के मामलात पे बात करनी है, जो शरीफ खानदान के केसेस चल रहे हैं और जो चौधरी बिरादरान के केसेस चल रहे हैं। जफरुल्ला जमाली साबिक वज़ीर आज़म ने एक स्टेटमेंट भी दिया, उस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, चौधरी परवेज़ इलाही साहब साबिक वज़ीर आज़म पंजाब मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा, उनसे हम बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कल अपोजिशन का बिल मंजूर हो जाएगा और वो वैसे तो हो नहीं सकता क्योंकि नंबर तो सारे हुकूमत के पास हैं। अब अपोजिशन को यह लगता है कि हुकूमत के बंदे इनके हक में वोट डालेंगे, वो कौन से एमएनएस हैं जो नवाज शरीफ से बगावत करेंगे या शरीफ खानदान से बगावत करेंगे, क्या ये मुमकिन है? ये कल पता चल जाएगा, लेकिन चौधरी साहब क्लेम बड़ा तगड़ा कर रहे हैं। चौधरी साहब जो अभी कार्रवाइयां नैब में चल रही, अब आपका क्लेम सच है या गलत साबित होता है कल पता चल जाएगा। जो नैब में कार्रवाइयां चल रही हैं, जो अदालत के अंदर केसेस चल रहे हैं, ये सारा एक प्रोसेस के थ्रू हो रहा है, कोई करवा रहा है, पाकिस्तान में तब्दीली आ चुकी, ये चक्कर क्या है, वो क्या रहा? नहीं नहीं देखें, बात सुने, ये जो पुराने केसेस थे ना, जिसमें के ये है 99 का जो हमारे वाला है, 99 में जब ये मार्शला लगा, अब खुल गए ना सारे? नहीं नहीं, वो मार्शला लगा तो मुशर्रफ साहब आ गए, तो उन्होंने उस वक्त ये शुरू किया था, और जहाँ बैठे ना, यहाँ आके 99 में ये वो फीते लेके, तो ये टाइलें कहाँ से आई, ये टूटियाँ कितने की आई, वो सारा 3 दफ़ा आके रिकॉर्ड भी ले गए और सारा कुछ कर गए। तो उसके बाद हमने कहा जी कि बताएं क्या निकला है, उन्होंने कहा निकला तो कुछ नहीं है, तो हमने कहा कि क्लियर क्यों नहीं करते आप लोग, तो कहने लगे जी वो तो मुशर्रफ साहब से हम पूछ करेंगे। हमने कहा पूछे अगर है ही कुछ नहीं है, फिर ड्यूरिंग चीफ मिनिस्टरशिप भी मैंने ये बात की, मैंने कहा कि मुशर्रफ साहब ने अपने दौर में आपको क्लियर नहीं होने दिया? नहीं नहीं, ये नहीं मैं कहता, यानी आप उनके दौर में क्लियर नहीं हुए, लेकिन वो उस दौर का ये चल रहा था सिलसिला, लेकिन क्लियर नहीं किया इन्होंने किसी ने भी।
और फिर ये जो यानी जो जो तरीका कार होता है डिक्टेटर का कि वो केसेस रख लिए बस ठीक है चलते हैं टप के रखो, क्योंकि मेरे पास सबूत नहीं है इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन क्लियर मैं मरवज्जा अच्छा खैर कोई बात है वो उसकी बात कोई बात नहीं। इससे पहले केसेस भुट्टो साहब के जमाने में 134 केसेस बने थे हमारे ऊपर, हमारी फैमिली के ऊपर, भैंस चोरी से लेके मर्डर केसेस। आपका भी क्लेम ये है शहबाज शरीफ साहब की तरह कि नहीं शहबाज शरीफ की क्लेम, मैं वो बात करता हूँ शहबाज शरीफ की। बात ये है कि 5 साल अल्लाह का शुक्र है चीफ मिनिस्टर शिवराज रही है ना, तो 10 साल ये शहबाज शरीफ जो है ये ढूंढता रहा है कोई ना कोई चीज़, और ये पूरी कोशिश करता रहा है हम पे केस बनाने की। था ही कुछ नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, आज लोग कंपेयर भी कर रहे हैं इसका दौर और हमारा दौर। अब शहबाज शरीफ जो कहता है ना, मैं तो बात ही नहीं कर रहा, इसका अपना ऑडिटर जनरल कह रहा है कि सबसे ज़्यादा घपला है 2 अरब का ये तंदूर स्कीम में, उसके बाद दानिश स्कूलों में, उसके बाद जो सबसे ज़्यादा घपला है वो आशियाना स्कीम में, पीली टैक्सी जिसको नीली कार के फिर चलाया उसमें घपला है, ये इनका ऑडिटर जनरल कह रहा है। और सबसे ज़्यादा घपला जो है ये तो जंगला बस सर्विस में है। आप कंपैरिजन करें ना हिंदुस्तान मेट्रो का, वो नहीं मुल्तान में मेट्रो की बात नहीं है, सिर्फ देखे ना पर किलोमीटर कॉस्ट जो है ये 28 करोड़ हिंदुस्तान की, इनके दोस्त मोदी की कास्ट 28 करोड़, चाइना की है 42 करोड़ पर किलोमीटर। खुदा का खौफ करो यहाँ पे 1.25 अरब पर किलोमीटर, डेढ़ अरब बड़ी ठीक ठाक निकली है पर किलोमीटर, डेढ़ नहीं टाइम देखे ना डेढ़ अरब को खुदा का खौफ करें। और फिर देखें ये मैं क्यों कहता था ये प्रोजेक्ट फेल प्रोजेक्ट है, पता है आपको कितनी सब्सिडी है, टोटल सब्सिडी 24 अरब साल की सब्सिडी। ये ऑल इन ट्रेन की मिला के और इन ट्रेन की अभी नहीं डाली, वो अलग है ठीक। हाँ वो अलग है, और ये कहां से पूरी करेंगे। आज अस्पताल वाले रो रहे हैं दवाइयां नहीं है उनके पास, नहीं तो क्या मतलब है अगली हुकूमत आएगी वो नहीं चलाएगी ये प्रोजेक्ट। नहीं बात सुने आप कभी ट्रेवल करके देखें ना, आधी बस तो खाली जा रही होती है, को खुदा का खौफ ही नहीं, पैसे जाएगा सिर्फ अपनी कमीशन बनाने के लिए, अपनी करप्शन के लिए। चले चल के चेक कर लेना नैब वाले सोलर पावर प्लांट, क्यों शहबाज शरीफ 2 दफा, अगर इतना कामयाब इसका प्रोजेक्ट था 2 दफा इसने ऑक्शन पे लगाया। 17 अरब का वो प्रोजेक्ट बनाया शहबाज शरीफ ने जो बहावलपुर कायदे आजम सोलर पावर है, और अगर आज आप लगाए ना 100 मेगावाट का जो ऑयल पे चलता है वो 10 अरब का बनता है, तो 7 अरब का तो सीधा ये खा गया पैसे उधर से। नहीं लेकिन देखें साबिक वजीर आजम जमाली साहब ने गुज़िश्ता दिनों एक इंटरव्यू दिया, वो ये कहते हैं कि 2 खानदान 91 में भी अमीर तरीन थे पाकिस्तान के, जो सबसे अमीर थे, पहला शरीफ खानदान 75 बिलियन, दूसरा चौधरी खानदान 66 बिलियन। वो ये कहते हैं कि ताकत तो और पैसा तो आपके पास तब से है, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि खाली शरीफ खानदान करप्ट है और बाकी आप लोग ठीक। ये नए साकडार साहब कोई फ्रांस से पहले आ गए हैं, ये जमाली साहब किस शक्ल में आए हैं, जमाली साहब ही साबिक वज़ीर आज़म आपके अपने वज़ीर आज़म। हाँ जी, अब बात ये है कि साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ये पैसों से खरीदते हैं बंदे, बिल्कुल ये भी कहा है उन्होंने आपकी मैं कहता हूँ, मैं कहता इनको खुदा का खौफ करना चाहिए जमाली साहब को। मैं तो इनका बड़ा एहतराम उस वक्त भी करता था, आज भी करता हूँ, लेकिन पता नहीं क्या इनका हो गया अब इस उम्र के आखिरी हिस्से में जो ये बातें कर रहे हैं। इनको कम से कम ये सोच लेते कि ये तो हमारे MNAs और इलेक्टेड लोगों की तोहीन कर रहे हैं, इसका मतलब वो सेलेबल कमोडिटी है, ये कर रहे हैं, ये उनको बता रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं हमारे MNAs MPAs को कि भाई आप फॉर सेल हैं, खरीदे हम खरीदते हैं। आप बताएं जमाली साहब, बताएं कौम को, बताएं जमाली साहब आप जब वजीर आजम बने थे आपने कितने में खरीदे थे लोगों को। नहीं नहीं वो कह रहे हैं मैंने नहीं खरीदे थे, वो तो जनरल जिन्नी आया था अमेरिका से, उन्होंने इंटरव्यू दिया है 6 घंटे के लिए पाकिस्तान, और वो आप सबको कहकर गया था कि ये मेरा उम्मीदवार है इसको बना दें पाकिस्तान का वजीर आजम, और वो कहते हैं मैं तो कभी मिला भी नहीं उस आदमी से। मैं आपको अब मुझे बताना ही पड़ेगा सच्ची बात, चाहे जमाली साहब को बुरी लगे, वो जैनी इन्हां दे पिंड दा सी, वो कितों आ गया, जब इनका नाम हमने प्रपोज किया, ये आप मुशर्रफ साहब को पूछ लें, मुशर्रफ साहब मिले नहीं थे क्योंकि शुजात साहब पहले दिन से कह रहे थे कि जी बलूचिस्तान से कभी वजीर आजम नहीं बना, तो मेरी ख्वाहिश है क्योंकि हमारा तल्लक बलूचिस्तान के साथ चौधरी ज़हूर अली साहब से, फिर शुजात साहब, फिर सारे ही हमारा उनके साथ बड़ा तल्लक रहा है बलोचियों के साथ, तो वहाँ से क्यों नहीं वज़ीर आज़म बनता।
पंजाब बन, पंजाब का बने या सिंध का बने, क्यों? और बल्कि मैं आपको ये फजल रहमान साहब से भी पूछ लेना, बल्कि शुजा साहब और मैं गए तो फजल रहमान साहब कहने लगे कि जमाली को आप बना रहे हैं, इसने तो हमारी बलोचिस्तान की असम्बली तोड़ी थी, मुखालफत की हो। हाँ, मैं तो नहीं, या आप बने या मैं बनू। अच्छा, अपना चांस उन्होंने। हाँ जी, ठीक है। तो खैर, हमेशा रहता है उनका। शुजा साहब ने कहा कि देखे बात सुने, परवेज बन रहा है चीफ मिनिस्टर इंशाल्लाह, तो ये तो नहीं हो सकता शहबाज नवाज की तरह हम एक भाई उधर आज एक भाई उधर आज, ये हम नहीं करेंगे। खैर, वो मुशरफ साहब को तो हमने मलाई बाद में था, मुशरफ साहब से हमने अप्रूवल ले ली, उनको हमने ये कहा कि जब तक हम अपना कैंडिडेट नहीं लॉन्च करेंगे तो एमएनएस एमपीएस को कैसे हम साथ लेके आएंगे, कुछ तो आपने लॉन्च किया। हाँ, लॉन्च भी इस तरह किया कि ये तो डर रहे थे यार, मरवा ना देना मुझे, ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिठा दिए। मैंने कहा नहीं, उससे पहले इनसे जो कमिटमेंट लेनी थी वो ले ली गई पार्टी के लेवल पे, पार्टी लेवल पे या एक और लेवल पे भी, एस्टैब्लिशमेंट के लेवल पे ले ली गई। तो उसके ये तो डरते थे, बैठते नहीं थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एक तरफ मैं बैठा एक तरफ शुजा साहब बैठे, दरमियान में इनको बिठा के शुजा साहब ने अनाउंस किया कि ये हमारे उम्मीदवार हैं। ठीक है, बाद में फिर इस्लामाबाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। हाँ जी, इस्लामाबाद के घर पे मेरे। इस तरह तो जैनी किधर आ गया, जैनी फिर मेज के नीचे होगा कहीं। नहीं नहीं, उन्होंने उनका क्लेम है कि वो अमेरिका से आया था इशारा। अब कौन इसी तरह की लोग बात करते हैं। और फिर कहते हैं जी कि उन्होंने पूछा है कि आपको लाए कौन और निकाला कितना रोल था चौधरीयों का, उन्होंने कहा जी 50-50। और भाई खुदा का खौफ करो, जिस तरह नवाज शरीफ साहब कहते हैं मुझे किसने निकाला और क्यों निकाला? मुझे क्यों निकाला? और जमाली साहब को अगर किसी ने निकाला तो वो खुद जमाली साहब ने अपने आप को निकाला। हाँ, कैसे? एक तो गलत बयानी करते रहे, और दूसरा जो इन्होंने कमिटमेंट की थी कि आप अमेरिका का टूर नहीं बनाएंगे प्रेसिडेंट से पूछे बगैर, और जाके वहां सुन लेना बात, कमिटमेंट होती है। चलो ठीक है, आप वहां जाके जमाली साहब पहले कॉलन पावल को कहते हैं मैंने 2 मिनट अलहदा मिलना है। अच्छा, फिर उसके बाद जब प्रेसिडेंट बुश के साथ मीटिंग खत्म हुई तो कहते हैं मैंने 2 मिनट अलहदा मिलना है। अच्छा, तो उन्होंने कहा आज हम वॉक करते हैं, मैं 2 मिनट बात कर लें। अभी जमाली साहब पहुंचे नहीं थे तो मुशरफ साहब ने हमें बुला लिया कि यार ये क्या बंदा आपने दिया है, ये बुश को तो ये कहता, बुश का मुझे फोन आ गया, कहने लगे मुशरफ साहब, कॉलन पावल का भी आया, उन्होंने कहा ये तो अपनी बात कर रहा है जी कि आप मुशरफ की बजाय मुझसे बात किया करें। अच्छा ठीक है, अब बात सुने कि तो मुशरफ साहब को ये एतराज हुआ? नहीं, उनको एक कमिटमेंट तोड़ी, एक एतराज नहीं, एक तो ये झूठ बोलते हैं, दूसरा कमिटमेंट वाले नहीं है, और तीसरा काम नहीं करते। मैं इनका फिर भी पर्दा रख रहा हूं एक बात का, वो नहीं मैं कहना चाहता, फिर भी पर्दा रख रहा हूं। और मुशरफ साहब ने कहा यार ये नहीं बता, ये 10:30-11 बजे तैयार होके आते हैं और आके 2 चैनक दूध पत्ती पी जाते हैं, तो सारा दिन काम ही को नहीं करते, और जो काम करते हैं वो मैं आपको नहीं, फिर वो रहने दे, एक कुछ चीजें ठीक है जो भी है, तो ये नहीं चल सकते, सारा काम मैं करूं। मुझे उन्होंने कहा कि आप उधर आ जाएं। ठीक है, मैंने कहा नहीं जी, मैं पंजाब में ठीक हूं, पंजाब में हम इनकी मिथ खत्म करेंगे इंशाल्लाह, ये शहबाज शरीफ और ये बड़ा बनता है चैंपियन कामों का। तो वो फिर उन्होंने शुजा साहब का कहा जी कि आप 3 माह के लिए बन जाएं, और फिर बंदा बाद में सोच लेते हैं। अब मजे की बात यह है, शुजा साहब ने इनको कहा तो कहते हैं अच्छा जी ठीक है मैं हट जाता हूँ, लेकिन आप बने ना 3 महीने के लिए, तो आप मेहरबानी करें कि आप फिर छोड़े ना, फिर पक्के ही हो जाए, कब्जा कर ले। ठीक है, तो इन्होंने कहा यार हमारी कमिटमेंट होती है, आपको भी ये समझाया था कि जो कमिटमेंट हो ना वो पूरी करनी चाहिए। ठीक हो गया जो सर, मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आते हैं। नवाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली की अदलिया पे तनकीद, आधा खानदान नैब में पेश हो रहा है नैब कोर्ट में, और इसहाक डार साहब और उनके 2 बेटे नहीं आ रहे, इस केस के बारे में आपकी क्या राय है, आप क्या इन्फॉर्मेशन जानते हैं, ब्रेक के बाद ब्रेक लें वापस। वेलकम बैक नाजरीन, चौधरी पर्वेज़ इलाही साहब से बात करें। चौधरी साहब, अदालतों के बारे में, एस्टैब्लिशमेंट के बारे में, शरीफ खानदान का रवैया, क्या मुस्लिम लीग की सियासत इसकी मुतहम्मिल हो सकती है, या नवाज शरीफ साहब का ये तर्ज सियासत है, या फंस गए? देखें, बात ये है कि नवाज शरीफ साहब ने जो हकीकत है वो हर चीज़ अपनी मर्जी की चाहते हैं, और जैसे कि अब तक जो पिछला आप रिकॉर्ड देख लें नवाज शरीफ साहब का,
मेजॉरिटी फैसले वो अपनी मर्जी के लेते रहे हैं। अब ये इतना बड़ा फैसला पहली दफा उनके खिलाफ आया है। ठीक, इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए ये 6 माह तक चला है और पूरा इनको टाइम दिया गया है, फिर GIT बनी, फिर सारा कोई ऐसा लूप होल नहीं, लीगली और इंसाफ के जितने तकाजे थे पूरे किए। ठीक है, और अगर उसके खिलाफ आया फैसला तो वो बर्दाश्त से बाहर हो गया इनके। नहीं, आपको लगता है कि पार्टी के लोग, और सबसे बड़ी बात यह है कि देखें, मुल्क के अंदर जो अदारे होते हैं जिसमें जुडिशरी है, जिसमें आर्मी है, जिसमें मीडिया है, किस अदारे के साथ नवाज शरीफ ने कम से कम 1 या 2 या 3 दफा लड़ाई नहीं की थी? मीडिया से लड़ाई नहीं शुरू की थी उसने? पहली दफा वजीर आजम बने, चलती रही। अच्छा, और उसके बाद आर्मी से ये 4थी लड़ाई है, जुडिशरी से क्या कभी वजीर आजम किसी ने हमला कराया सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की अदालत के ऊपर? ये भी एजाज इनका ही है। तो ना ये इदारों का एहतराम करते हैं सियासत में, ना ये इदारों का एहतराम करते हैं तसादुम की सियासत, ना ये अपने जो मुल्क के अदारे हैं ना उनको ये समझते हैं, ना ये उनका एहतराम करते हैं। तो मैं तो समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है इनको तस्लीम करते हुए इस मुल्क की खातर, कौम की खातर और अपने खानदान की खातर आराम से सियासत से फारग हो जाना चाहिए और खैर बात कह देना चाहिए। चौधरी साहब, वहां अगर इनको मुल्क से तो ऑलरेडी चल रहे हैं, वो तो चलते रहे, अगर इनको मुल्क से मोहब्बत है। इसहाक डार साहब तो रिजाइन नहीं कर रहे, आप वहां से आप अंदाजा ये कर लेंगे, रोज खबर आती है कि आज शायद इस्तीफा आ जाएगा, आज आ जाएगा। खाकान अब्बासी साहब कुछ कह रहे हैं, बाकी वुजरा बार बार बात कर रहे हैं इस्तीफा नहीं जाएगा। मेरा ख्याल असल में ये चाहते हैं कि इनका नाम गिनीज बुक में आ जाए, कि इतने ढीठ बंदा कोई नहीं हो सकता। डार साहब की बात सारे यार को खुदा का खौफ करे। अब क्या है कोई वो को बात है आदम तावन और इनके मियां साहब के 2 बेटों का आदम तावन, ये कहां लेकर जाएगा इस केस को? मेरी बात सुने, ये डार साहब तो अब वापस नहीं आएंगे जो लग रहा है। अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता ये मुझे तो लग रहा है, ये आहिस्ता आहिस्ता ये जाएंगे तो वापसी मुश्किल हो जाएगी इनकी, मियाँ साहब की मुझे लगता है। बाकी मरियम नवाज और कैप्टन सफदर वो यार ये तो वक्त बताएगा आगे चल के। चले अब 2 हिस्सों में कर लें, अगर मियां नवाज शरीफ की सियासत और शहबाज शरीफ साहब जो हैं, ये इन्होंने वो पुराना फ्राड लगाया हुआ था मुशर्रफ साहब के दौर में भी ना, शुरू शुरू में ये कहते थे मुशर्रफ साहब ने एक दफ़ा हमें कहा ये तो शहबाज शरीफ तो ठीक लगता है यार, ये तो ये हमने कहा कि सबसे ज्यादा जालम कनिंग और विंडिक्टिव आदमी जो है वो शहबाज शरीफ है। यानी मुशर्रफ साहब की डील नहीं होनी थी शहबाज शरीफ से, इसके पीछे आपका हाथ था? नहीं, उसके साथ तो डील है, वो हमें पता था गेम कर रहा है। हमने एक ही बात की थी अपना मुशर्रफ साहब को कि शहबाज शरीफ, एक मिनट आप शहबाज शरीफ है कि शहबाज शरीफ साहब मुशर्रफ साहब से रब्ता कर रहे थे? मैं बात मुकम्मल कर रहा हूँ, उस वक्त की बात है, 99 की बात कर रहा हूँ। रब्ता कर रहे थे 2000? हाँ जी, क्यों नहीं रब्ता कर रहे थे? क्या कह रहे थे जो आज कह रहे हैं तब? क्या कह, मैं तो ठीक हूँ भाईजान की ये भाई बात सुने, जब ये मसला आता है ना खुल के, तो ये 2 कदम आगे होता है अपने भाई के साथ। इसकी सियासत क्या है शहबाज शरीफ की? नवाज शरीफ के बगैर क्या सियासत है शहबाज शरीफ की? कौन सी कमाई की है इसने? पंजाब का बेड़ा गर्क करके रख दी है, क्या किया है इसने? कौन सी अलहदा कमाई की है? ये नवाज शरीफ के बगैर सियासत कर दी है, वो कहते हैं जी पंजाब में नवाज शरीफ के बगैर ये टकेगा नहीं है शहबाज शरीफ, क्या है इसकी अपनी सियासत? और ये कभी करेगा भी नहीं। चल अब मुझे अच्छा, ये खेल रहा था, गेम खेल रहा था, जो कि एक्सपोज होनी थी वो एक्सपोज हो गई है उस वक्त भी और आज भी। शहबाज शरीफ की वही पॉलिसी थी? हाँ जी, गुड कॉप बैड कॉप, बिल्कुल वही गेम चल रही थी। यानी दोनों भाई बिल्कुल एक है, सवाल ही नहीं पैदा होता है इनके दरमियान से कुछ चीज गुजरती हो, हवा भी नहीं गुजरती, हवा भी नहीं गुजरती। आर यू श्योर सर? इतनी खबरें चलती हैं अखबारों में, टीवी में, इधर इंटरव्यू, बयान, सब टोपी ड्रम है। तो फिर शहबाज शरीफ साहब का भी चांस आपको लगता है नहीं है? देखें शहबाज शरीफ का मैंने इतने करप्शन के इसके केसेस आपको बताए हैं, अब तो सारे डाउन बड़ी बात है। इसकी जो 56 कंपनी है, जो 56 कंपनी है साफ पानी से लेके, तो बेड़ा गर्क कर दिया सारे सूबे का, कंगाल कर दिए इस सूबे को। और जो हदैबिया पेपर है उसमें तो ये नंबर 1 मुलजम है
शहबाज शरीफ मेन अक्यूज्ड, मेन अक्यूज है उसमें। और सैने माल्टोन देख लें, इस केस का एंड क्या देख रहे हैं आप? देखें एक तरफ शरीफ खान दान रोजाना, मेरा तो ख्याल है कि इंशाल्लाह ताला अब सारी कौम को भी पता चल गया और ये पूरी तरह एक्सपोज भी हो गए और इन्हीं अदालतों ने इंशाल्लाह ताला ये इंसाफ करते हुए शहबाज शरीफ का जो सानिया माल्टोन में जो जो एक कातल के तौर पर आया है और इसने जब ये कत्ल किए तो टीवी के ऊपर आपके कहते हैं कि अगर ये जज साहब की रिपोर्ट मेरे खिलाफ आ गई तो शहबाज शरीफ फौरी छोड़ देगा। जी बिल्कुल, वो कहा था तो ये क्यों नहीं, शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा था कि अगर मेरे खिलाफ कोई आ गया डिसीजन तो मैं एक मिनट से पहले घर चला जाऊंगा और बात नहीं करूंगा। बट वो नहीं, पॉलिटिकल स्टेटमेंट होते हैं। तो इसकी तो बात ये है कि ये इसने अपने इसने खुद ऑर्डर किए हुए मार दो, नहीं खुद तो अगर, अगर अगर नहीं किए हुए तो फिर जो अपने ही जज साहब ने इन्होंने भेजा था कि जो ये फैसला कर दे कमीशन की रिपोर्ट, तो क्यों नहीं पब्लिश होने देता? ठीक, डाता क्यों है? एक ब्रेक, ब्रेक का वक्त हो गया जो सब, एक हम ब्रेक ले लें। कुछ इश्यूज ऐसे हैं जिन पे बात करनी, क्या 2018 में इलेक्शन होंगे और अगर 2018 में इलेक्शन होंगे तो कौन कौन कहां होगा और आपकी क्या तैयारी? ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, चौधरी प्रवीण अली साहब हमारे साथ साफ साफ बात कर रहे हैं। जो साहब 2018 में इलेक्शन होगा? देखिए जी, कोशिश तो सबकी यही है लेकिन उसमें एक सबसे बड़ी जो टेक्निकल जो चीज सामने आ रही है वो है हलका बंदी। ठीक है, और ये इन्होंने खुद लेट किया है इस हुकूमत ने। ये जब आए थे उसी वक्त ये शुरू करा देते, इसका सेंसिस शुरू करा देते, प्रोसेस मुकम्मल हो गया और सेंसिस भी, फिर सेंसिस पे बहुत ज़्यादा इतराज़ उठे हैं, एमक्यूएम ने किया है और सारी पॉलिटिकल पार्टियां कर रही हैं कि ये ठीक नहीं हुई, ये जो सेंसिस ठीक नहीं हुआ। अब सेंसिस के बाद मस्ट है हल्का बनिया और उसके लिए तकरीबन साल चाहिए इलेक्शन कमीशन को। तो इलेक्शन होगा फिर तो उसके बगैर आप पढ़ लें खुद ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला। पुराने के ऊपर हो नहीं सकता अगर रिपोर्ट आ गई तो? पुराने के ऊपर कैसे हो सकता है? अप्रैल में रिपोर्ट आ जाएगी, पुराने के ऊपर कैसे हो सकता है? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सेंसस के बाद हल्का बंदियों ने चेंज होना ही होना है कि देखे ना, कई सीटें बढ़ी हैं कहीं कम हुई हैं। ठीक है, तो अब वो सारा जो अपसेट होगा सूबा सूबाई असम्बली कौमी असम्बली तो वो नए सिरे से सारा एक करना। 2018 में आपको इलेक्शन नजर नहीं आ रहे? देखें इसकी अमली शक्ल देखनी चाहिए हमें, अमली तौर पे मैं आपसे पूछ रहा हूं कि प्रैक्टिकली अमली तौर पे मुझे बता दें कि कैसे करेंगे ये? नहीं हो सकता, ये जो ड्रामे लगा रहे हैं झूठ बोलते हैं, ये अपनी गलती को नहीं तस्लीम करना चाहते इसलिए कह रहे हैं जी हो जाएंगे। फिर अगर नहीं होंगे तो चलेगा क्या? ये हुकूमत कंटिन्यू करती रहेगी? ये अगर डेढ़ साल और लग जाता है सपोज, ये आप कुछ नहीं कह सकते। आप बतौर अपोजिशन इस हुकूमत को कंटिन्यू करने देंगे? मैं ये पूछता हूँ। वो उस टाइम तक पहुंच लेने देना। किस टाइम तक? जब ये फैसला करने की बारी, अप्रैल मई की बात कर रहे हैं, जब ये फैसला की बारी आ जाए, टेन्योर पूरा होने की आप बात कर रहे हैं? जी हाँ। या सेनेट इलेक्शन की आप बात कर रहे हैं? सेनेट इलेक्शन तो अभी दूर है बड़ा, आप भी उसको दूर कहते हैं, इमरान खान भी दूर करते हैं, चक्कर क्या है? चक्कर तो वही नहीं है। ठीक है, तो ये सब आपकी क्या तैयारी है अगर इलेक्शन होता है? इलेक्शन हो तो हम इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेंगे, पूरा भरपूर तरीके से लड़ेंगे। अब बात ये है वो विनिंग हॉर्सेस जो विनिंग की बात चल रही है आते हैं, इंशाल्लाह ताला सारे आएंगे हमारे साथ। एक तो ये है कि एक उनको इज्जत भी मिली और उनके हलकों में हमने काम भी किए और इस वक्त आप जो भी कंपैरिजन करते हैं ना ग्राउंड लेवल के ऊपर खास तौर पे रूरल एरियाज में, वो यही कहते हैं कि वो दौर अच्छा था और काम भी ज्यादा हुए। मैं बड़ी इंपॉर्टेंट चीज लेकिन मैं आखिर में लेकर आया हूँ उसको, बहुत इंपॉर्टेंट मामला है। इस्लामाबाद में उलमा इकराम ने धरना दिया हुआ है, मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे हो रहे हैं, इस मामले पे आपकी पॉलिसी राय क्या है कि उलमा जो कर रहे हैं वो ठीक है या उनका तरीकाकार से आपको इख्तलाफ है? मामला आप इसको कैसे देखते हैं? मेरे ख्याल में ये सारा जो ये हुआ है, ये सारा सारे का सारा जो कसूरवार है वो ये हुकूमत है, नवाज शरीफ साहब खुद और इनकी टीम। इनको क्या जरूरत पड़ी थी ये छेड़छाड़ करने की? क्यों छेड़छाड़ की है जब तयशुदा असूल है? आपको क्या लगता है अब जिन्होंने ये किया है, जिन्होंने ये किया है वो बात सही कर रहे हैं उलमा, जिन्होंने ये किया है उनको ये क्यों नहीं सामने लाते? नवाज शरीफ साहब के वो आके कहें जिन्होंने किया है कि हमने डेलिब्रेटली किया है, गलती से हो गया, क्या हुआ क्या?
कोई गलती नहीं होती है, जानबूझ कर किया। ये जानबूझ के वहां जो हामिद का नाम ले रहे हैं उसकी आप चाहते पहले ये क्यों किया है? इंग्लैंड में इन्होंने रहना है, वहां सबसे स्ट्रांग लॉबी जो है जिसमें वो जो कुर्बत है MI6 की और सारी कुर्बत जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग एस्टेब्लिशमेंट है उनके साथ जो तल्लक है, वहां जो कादियानी बैठे हुए हैं, ठीक है। हाँ, आप कह रहे हैं उनकी ख्वाहिश पे ये, उनकी ख्वाहिश पे ये हुआ है, ठीक है। अब हल क्या है और इसका हल ये यहां है, तक क्यों पहुंचे? इसका हल ये है, देखिये वो कहते हैं जी कि आपने खुद कमेटी बनाई राजा जफरुल्लाह साहब की, तो वो जो नाम सामने राजा जफरुल्लाह साहब ने कहे हैं उस कमेटी में, वो उनको उनको फर्क करें और उल्मा वापस, उसमें नवाज शरीफ साहब का भी नाम है उनके तो कहने के ऊपर। अब रास्ते बंद होना और ये सारा कुछ होना, इसकी जिम्मेदारी आप उल्मा पे नहीं डाल रहे? उल्मा पे डाल ही सकते, ये हुकूमत की वजह से हो रहा है, बिल्कुल ठीक। वो ये एक दिन में खत्म हो सकता है, ये नाम सारे जाहिर कर दे, उनको फारिग कर दे, तो धरना खत्म हो सकता है। ये ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका चौधरी पर्वेज़ साहब का, हम इंटरव्यू करते हैं नाज़रीन, और दोबारा भी आपका इंशाल्लाह इंटरव्यू दे सकते करेंगे बड़े अहम मामलों पे। लेट्स सी कि कल चौधरी पर्वेज़ इलाही साहब कामयाब होते हैं या नवाज शरीफ साहब बतौर सदर मुस्लिम लीग नून अपने ओहदे पर रह सकते हैं। कल टेस्ट है चौधरी साहब, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।